नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। लाजवाब कहानी, किस्सा, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अंजू ओझा और आपको सुना रही हूँ शेख चिल्ली की कहानी, मतलब उनके कारनामे। आप सब जानते ही हैं शेख चिल्ली के बारे में। वो इतना मज़ेदार, इतना हसमुख और कॉमेडियन था कि आज के युग में किसी को बेवकूफ कहना हो तो लोग उसे शेख चिल्ली के नाम से पुकारते हैं, है ना दोस्तों? क्योंकि शेख चिल्ली के कारनामे ही मूर्खता से पूर्ण लबालब होते थे और बुद्धि से भी परे। अजीब अजीब हरकत करता था वो। ऐसा ही हास्यास्पद कारनामा आप सबके समक्ष साझा कर रही हूँ। शेख चिल्ली की माता जी ने उन्हें रुपये देते हुए कहा, यह एक दिन की घटना है। शेख चिल्ली की माँ ने उनके हाथ में एक रुपये दिया और कहा, जाओ बेटा, जाके बनिए के दुकान से दो पाव तेल ले आओ, मुझे सब्जी बनाना है, जाओ जाके सरसों का तेल बनिए के दुकान से लेकर आओ। और उतना ही बड़ा डब्बा दिया जितना आधा किलो तेल अट सके। बेचारा शेख चिल्ली डिब्बा लेकर पहुंच गए बनिए की दुकान में और बोले, 8 आने का तेल डाल दो भाई इस डब्बे में। दुकानदार बोला कि इस पौवा से नाप कर तेल इसमें तो आधा ही किलो से नहीं अटेगा, इसमें तो आधा किलो तेल अटेगा ही नहीं, ये डब्बा छोटा है और इस डब्बे में 6 आने का ही तेल अटेगा, तो क्या करें? तो ऐसा करो, शेख चिल्ली पलके झपकाते हुए बोलिया कि ऐसा करो, डब्बा में 6 आने का तेल ही भर दो। चिल्ली मिया, तुम्हारा डिब्बा 6 आने के तेल से भर जाएगा तो वो 2 आने क्या करोगे, तुम बताओ 2 आने का क्या करोगे? नहीं नहीं, अम्मी ने 8 आने का तेल लाने को कहा है और मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो फिर दूसरा बर्तन ले आओ ताकि मैं उसमें डाल सकूं आधा किलो तेल, जाओ घर से ले आओ। नहीं नहीं, दूसरा बर्तन तो नहीं है, अभी मैं घर नहीं जाने वाला हूँ, किसी तरह इसमें डाल दो। बेचारा बनिया उसको बोलता रहा, समझाता रहा, अरे बेटा इसमें अब एक बूंद तेल नहीं आ सकता और 2 आने का तेल कैसे इसमें डाल सकते हैं, तुमको और बर्तन तो लाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं डालो, जिद प्यारा रहा, ऐसा करो 2 आने का तेल इधर में डाल दो। कहकर चिल्ली ने ये 6 आने का तेल जो उस डब्बे में था उसको पलट दिया, सारा तेल गिर गया। बनिए ने 2 अन्नी का तेल डब्बे की तली में डाल दिया और शेख चिल्ली तेल लेकर घर चला आया। माँ बोली, यह क्या, 8 आने का इतना सही तेल, वो भी डब्बा की पेंदी में, शेष कहाँ है, कहाँ है सारा तेल? अरे इधर है, कहकर वो सीधा कर दिया। इस प्रकार बाकी तेल भी गिर गया जमीन पर, पूरा छितरा गया। यह देखकर उसकी माँ ने अपना सिर पीट लिया और बोली, या खुदा, ऐसा माँ मूर्ख औलाद को मुझे ही देना था। अब शेख चिल्ली मूर्खों की बातें खी 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 हंसते रह गए। ये है शेख चिल्ली के कारनामे जो बच्चों के लिए है और उम्मीद करती हूँ बच्चों को अच्छा लगेगा। बस ये नई कहानी है मज़ेदार सी और मेरी आवाज़ में। फिर मिलती हूँ आप सबसे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।